बड़ी खबर के साथ शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में हर रोज शक गहराता जा रहा है। अब सामने आया है रिया चक्रवर्ती और शौविक चक्रवर्ती भाई बहन का वो व्हाट्सएप चैट जो ड्रग्स को लेकर किया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की है सुशांत केस में, आज का सबसे बड़ा खुलासा इसे कहिए, क्योंकि रिया और शौविक के बीच ड्रग्स को लेकर बातचीत हो रही है। ये चैट जिसमें रिया ड्रग्स मुहैया कराने की बात कह रही है, 15 मार्च 2020 को दोनों के बीच ड्रग्स को लेकर चैट हुआ है। और याद रखिए एनसीबी के मुताबिक 17 मार्च को ड्रग डिलीवर कराया है शौविक चक्रवर्ती ने सैमुअल मिरांडा के जरिए। रिया बता रही है वो दिन में 4 बार ड्रग्स पीता है। ड्रग्स की चैट में शौविक से ड्रग्स की डिमांड कर रही है रिया। 5 ग्राम में 20 सिगरेट तैयार होता है। चैट में शौविक से ड्रग्स की मांग को लेकर रिया बातचीत कर रही है। ये देखिए दोनों की बातचीत। हाँ प्लीज, वो एक दिन में 4 बार स्मोक करता है तो इंतजाम उसी हिसाब से करना, ये रिया लिखती है। पंद्रह मार्च की ये बातचीत है और ठीक 2 दिन बाद ड्रग्स डिलीवर होता है। क्या बड की भी उसे जरूरत है? ये शौविक चक्रवर्ती। रिया और शौविक भाई बहन की बातचीत सुनिए। हाँ बड भी ओके, शौविक लिखता है 5 ग्राम बड ले सकते हैं, इससे 20 सिगरेट बन जाएगी, ये शौविक बताता है। जानकारी देखिए ड्रग्स कैसे बनाए जाते हैं, इन सब के बारे में कितनी जानकारी। इसी लिए चलते हैं आप अरविंद नोजा हमारे सहयोगी इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अरविंद, ड्रग्स चैट भाई बहन की सामने है, यानी 15 मार्च को ये बातचीत करते हैं और अब तो सीधे रिया से कनेक्शन इस व्हाट्सएप के जरिए जुड़ जाता है। शौविक जो सैमुअल मिरांडा के जरिए ड्रग्स ले रहा था वो रिया के कहने पर ले रहा था। देखिए मैं आपको बताऊं कि सुशांत केस की मौत के मामले में नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो ने FIR दर्ज किया है। उस मामले में अब तक का सबसे बड़ा खुलासा है आज तक के पास ये एक्सक्लूसिव चैट है, जिसमें रिया चक्रवर्ती अपने भाई शौविक से बात कर रही हैं। 15 मार्च को ये बातचीत है, जिसमें बाकायदा रिया चक्रवर्ती शौविक को मैसेज भेजती है कि वो दिन में 4 बार सिगरेट लेता है। ये सिगरेट कोई नॉर्मल सिगरेट नहीं है, बड है, जो रिफाइंड मेरुआना है जो मुंबई में आजकल काफी ज्यादा प्रचलित है और कोकीन से ज्यादा महंगा मिलता है। अंजना, बड की बात हो रही है, दिन में 4 बार लेता है और शौविक की तरफ से बकायदा ये बोला जाता है कि वो अरेंज कर देगा, 4-5 ग्राम अरेंज कर देगा। मैं आपको बताऊं कि अब तक जो ड्रग पेडलर गिरफ्तार हुए हैं उन ड्रग पेडलर ने शौविक का नाम लिया है और साथ ही साथ सैमुअल मिरांडा का नाम लिया है, लेकिन ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि दोनों भाई बहन आपस में बातचीत कर रहे हैं। सवाल ये उठता है कि ये रिया चक्रवर्ती किसके लिए बोल रही हैं कि वो दिन में 4 बार सिगरेट लेता है, नंबर एक। नंबर दो कि क्या ये भाई बहन मिलकर किसी को ड्रग्स देने की बात कर रहे हैं, ये अपने आप में बड़ा खुलासा है। तो अभी तक जो शौविक चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा वही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की रडार पर थे, लेकिन अब इस चैट के बाद रिया चक्रवर्ती भी रडार पर आ चुकी है। फुल स्क्रीन दिखाइए एक बार नारकोटिक्स कंट्रोल। अरविंद ये बताइए, ये इससे पूरा पता चलता है ना, शौविक कह रहा है 5 ग्राम ले लेते हैं, इसमें 20 सिगरेट बन जाते हैं, मतलब इनका इनडेप्थ नॉलेज देखिए ड्रग्स पर, रिया और शौविक चक्रवर्ती का इनडेप्थ नॉलेज देखिए, कितने ग्राम में कितने सिगरेट्स बनेंगी, किसको कितनी बार देना है, सब पता चल रहा है। जी देखिए, काफी ज्यादा नॉलेज है और ये दोनों भाई बहन काफी घुसवे हैं, ऐसा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का कहना है। और सबसे ज्यादा बताऊं, शौविक तो पूरी तरह से घुसा हुआ है, उसके कई ड्रग पैडलर से न सिर्फ कांटेक्ट है बल्कि वो अपने कई सहयोगियों को, इनफैक्ट जो सैमुअल मिरांडा है उनको भी ड्रग पैडलर के कॉन्टैक्ट नंबर देता था। और जो ड्रग पैडलर गिरफ्तार हुआ है उसने बाकायदा इस बात का खुलासा किया है कि शौविक चक्रवर्ती न सिर्फ ड्रग्स को खुद अपना इस्तेमाल करता है बल्कि वो ड्रग्स किसी और के लिए भी खरीदता था, प्रोक्योर करता था। ये एक अपने आप में बड़ा खुलासा है। तो अमूमन अभी तक सभी लोगों के चैट आए थे, लेकिन ये पहली बार आज तक आपको रिया चक्रवर्ती और शौविक के चैट दिखा रहा है, दोनों आपस में बातचीत कर रहे हैं। अरविंद, अब तक जब भी रिया से जब भी हमने इंटरव्यू में पूछा, एक बार फुल स्क्रीन दिखाइए जल्दी से, एक छोटा सा आपसे रिएक्शन। अब तक जब भी रिया से बातचीत कीजिए तो एक सजा हुआ मापा हुआ जवाब होता है कि ये इस पर मैं कुछ भी नहीं बोलूंगी, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, मैंने ड्रग्स कभी नहीं लिया। लेकिन ये चैट तो बहुत कुछ कह रहा है, ये ड्रग्स के एंगल पर जो चुप्पी साधता है वो पूरा पक्ष उसकी पोल खोल रहा है। अरविंद जल्दी से जी। देखिए बिल्कुल
जी बिल्कुल पोल खोल रहा है, और मैं आपको बताऊं कि रिया ने ये तो जरूर एक्सेप्ट किया था कि सुशांत मैरिजुआना लेते हैं, लेकिन यहां पर लगता है वकीलों ने काफी समझा दिया था, उन्होंने चालाकी से कहा कि वो इसकी इन्वेस्टिगेशन में बताएंगे। लेकिन आपको बता दूं कि 67 एनडीपीएस एक्ट में अगर कोई व्यक्ति अगर बयान देता है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सामने तो वो कोर्ट में एडमिसेबल होता है, उसके लिए किसी बरामदगी ड्रग्स बरामदगी की जरूरत नहीं है। तो ऐसे में जितने लोग भी चंगुल में आएंगे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के, उनकी सबकी मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ेंगी। लेकिन अब तक शोविक और सैमुअल मिरांडा और तमाम ड्रग पेडलर रडार पर थे, लेकिन इस चैट के बाद अब रिया की भी मुश्किल आने वाले दिनों में बढ़ेंगी। अंजना।